अमरावती नगर है, रामनगर है, नाम है लेकिन इतने मंदिर नहीं है। क्या पता ये हम लोगों का नसीब है कि जो हम यहाँ रह रहे हैं। सबसे पहले तो भूमि जी महाराज की कृपा है कि उनके नाम से ये बस्ती है भूमि जी कॉलोनी, और उसके बाद भगवान बाबूजी महाराज का मंदिर बना था, फिर शंकर भगवान की कृपा हुई तो महादेव जी खुद विराजमान हो गए आकर यहाँ, और आप लोगों ने पूर्ण सहयोग दिया। उसके बाद आज शनि महाराज की कृपा हुई और सुंदर सा मंदिर शनि महाराज का बन गया, यह सबसे बड़ी बात है। शनि महाराज का मंदिर ऐसे ही नहीं बनता, हर कहीं नहीं बनता, जहां शनि जी महाराज की कृपा होती है वहीं वो मंदिर बनता है, वरना कहीं भी देख लो आप शनि महाराज के मंदिर नहीं मिलेंगे, शंकर भगवान के खूब मिल जाएंगे। इनके नाम भी अलग अलग है, भोलेनाथ, शंकर नाथ, त्रिलोकी नाथ, इतने नाम है शंकर भगवान के पूछो। लेकिन इस देवभूमि पर जिसने भी तन मन धन से सहयोग किया वो आगे ही बढ़ा। यहाँ भूमि जी का थान, शंकर भगवान का थान, बाबू जी का थान, शनि महाराज का मंदिर, वो भी कमी पूरी हो गई। और आप लोग शनि महाराज के यहाँ तहे दिल से हर शनिवार को भगवान शनि महाराज की आराधना करो। देखो भगवान आपको कितना आगे ले जाते हैं, कितना भंडार बढ़ते हैं आपके, और शनि महाराज के भंडार में अभी आप लोग कमी मत आने देना। आशा करता हूँ जैसी भी भाव भक्ति है आपके दिल में, जितना बनता है उतना शनि महाराज के यहाँ अर्पण कर देना। तो बोलिए शनि महाराज की, हाँ जोरदार से कर बोलिए भूमि जी महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की, बाबू जी महाराज की, अपने अपने मात पिता गो मात की। हाँ लीजिए, आपको ले जाते हैं सुंदर भजनों की प्रस्तुति के की ओर। पहले मैं, हमारे म्यूजिशियन के बगैर कोई भी कलाकार गा नहीं सकता, मैं आपको बता देता हूँ, अवगत करा देता हूँ। कैसा भी कलाकार हो, सुंदर से सुंदर कलाकार हो, इनके बगैर अधूरा है। जैसा कि ऑर्गन पर हमारे अशोक जी प्रजापत हैं, बहुत ही सुंदर ऑर्गन बजाते हैं, तबले पर शानू संगत कर रहे हैं, ढोलक पर हमारे जोधपुर के जाने माने ढोलकबाज हैं ये, इनकी शक्ल अच्छी तरह देख लेना आप, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे आपको। इनका नाम राजू जी है, बहुत ही सुंदर ढोलक बजाते हैं, और ये छोटा भाई बहुत छोटा सा था उस समय प्रोग्राम में आता था, आज आया है, बड़ा प्यारा नाम है, क्या नाम, इनका नाम जुमेर भाई है। अब देखिए कलाकारों में आज सबसे छोटा हमारा भाई कलाकार है, इसकी भी प्रस्तुति आपको आनंद कर देगी। तो आशा करता हूँ आप शांति से व्यवस्था बनाए रखेंगे और शांति से इस प्रोग्राम, इस आयोजन को सफल करेंगे। और भाई पूनम भाई को भी मैं मंच पर आग्रह करूँगा पधारें, और साथ में आए हुए कलाकार उनको भी निवेदन करूँगा मंच पर आ जाए। और हमारे बीच में हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, कहा था अब उनके ऊपर आए चाहे नहीं आए, मोनीदीन जी मंचला के जो सुपुत्र हैं मशरूम भाई, उन्होंने कहा था आनंद जी मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा, हो सकता है कोई कारण से लेट हो गए, तो देखते हैं कोई प्रोग्राम में भी अगर हो गए फंस गए तो फिर वो फोन कर देंगे। और पप्पू जी भाग
वो भी हमारे बीच में प्रस्तुति देंगे, वो भी आ रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए इन सुंदर कलाकारों के लिए, जोरदार दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली हो जाए। धन्यवाद।